40 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना, पूरा झारखंड इससे मरमाहत हुआ। आंदोलन को कुचलने का काम, आंदोलन में संख्या न आए इसके लिए लगातार प्रयास किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मरमाहत जनता, झारखंड की मरमाहत जनता इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शरीक हुए और सर्व समाज सम्मिलित हुआ, सर्व स्पर्शी समाज सम्मिलित हुआ। सभी समाज के लोग उस आंदोलन में थे, जिसके गवाह आप सब लोग थे। इतनी बड़ी संख्या आई थी शांति पूर्वक, एक भी शहर में कोई ठेले वाले को, कोई दुकान वाले को, कोई टेम्पो वाले को, किसी बस वाले को कोई भी हम शिकायत नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से शांति पूर्वक आंदोलन प्रदर्शन को हम सब अपनी फरियाद रखना चाहते थे, उस स्थान पर जहां से काली करतूत सचिवालय जो होता है, काले कारनामे का वो स्थल है, वो स्थल पर जाकर हम सब लोग पत्रक दे सकते थे, मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, जो सत्ताधारी दल है, उसके इशारे में जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, लाठियों का प्रहार किया गया, टीयर गैस छोड़ा गया, और टीयर गैस हम सबको जानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल में छोड़ा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के सरकार के जो वहां पर अफसर थे, उनके निर्देश पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, टीयर गैस छोड़ा गया, सीधे आंदोलनकारियों को निशाने बनाकर के टीयर गैस छोड़ा गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, घायल। और उसके बाद जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम सब लोगों ने कहा कि पूरी घटना का दूध का दूध और पानी का पानी बना दिया। राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? इसलिए हम हमारी मांग को तो सुनिए कि नहीं, इसलिए हमने मांग रखा कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर होना चाहिए, एक न्यायिक प्रक्रिया से एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर किया जाए, और दूध का पानी होना चाहिए।